तो गाइस आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मूवमेंट स्पीड के लिए एक अच्छे अच्छे ड्रेस कॉम्बिनेशन। जी हाँ, अगर आप लोग चाहते हो फ्री लुक खेलना, आप लोग चाहते हो वन टैप बिल्कुल लहरा देने वाला गेम प्ले करना, या फिर कस्टम करते हो, या फिर आप लोग चाहते हो बिल्कुल भाई आप मतलब हवा में उड़ो, बहुत अच्छी मूवमेंट हो, तो उसके लिए अच्छे अच्छे ड्रेस कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। पर उससे पहले आपको कुछ मैं टिप्स दे देता हूँ मूवमेंट स्पीड के लिए। तो मूवमेंट स्पीड के लिए तीन चीज़ें मायने रखती है। पहला तो होता है आप लोग का डिवाइस। जी हाँ, एक अच्छा डिवाइस होना कितना जरूरी होता है आप लोग को पता होगा। सेकंड होता है कैरेक्टर स्किल। आप लोगों को कैरेक्टर स्किल में मतलब स्पीड वाला कैरेक्टर लगा के रखने, जैसे कि अपनी कैली होती है, जोसेफ होता है, आलोक, जैसे अच्छे अच्छे स्पीड देने वाला कैरेक्टर लगा के रखने। उसी के संग आप लोगों को गाइज अपना तीसरा होता है ड्रेस कॉम्बिनेशन। तो ड्रेस कॉम्बिनेशन में बेसिक से एक बात है कि आप लोग को पतले पतले और हल्के फुल्के कपड़े पहनने हैं, जिससे आप लोग का कैरेक्टर अच्छे से तेज तेज भाग पाए, समझ गए ना आप लोग। तो ये तीन चीज़ें आप लोग को फॉलो करनी है, बाकी चलिए ड्रेस कॉम्बिनेशन देखते हैं अच्छे अच्छे। तो गाइज अगर आप लोग को भी 160 से लेकर 500 तक का रिडीम कोड बिल्कुल फ्री में चाहिए, तो आप लोग को गाइज दिए गए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर गाइज ऐप खुले अनअकैडमी ऐप, उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये एक स्टडी ऐप है, आप लोग पता होगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन मिलेगा, उसको डालकर आप लोग अपना फोन नंबर से यहाँ लॉगिन कर लेना और अपना असली फोन नंबर डालना जो आपका एक्टिव हो, उसी में रिडीम कोड आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाता है, आप लोग को अपना एज गाइज 18 अबव भी करना है ताकि आप लोग को रिडीम कोड मिल जाए फाइनली, ठीक है। उसके बाद आप लोग को अपना नाम डालना, अपना ईमेल आईडी वगैरह, मतलब जो लॉगिन के लिए चाहिए होता है ईमेल आईडी, आप लोग अपना नाम के संग ईमेल आईडी, उसी के संग आप लोग को अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना, दिल्ली, तमिलनाडु, जो भी हो आप लोग को सिलेक्ट कर लेना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो भी। उसके बाद वेरीफाई करके ओटीपी आपके नंबर पे आएगा, जो नंबर आप लोगों ने डाला है, उस नंबर को फिल करने के बाद जैसे ओटीपी फिल करोगे आप लोग के मतलब उसी नंबर पे रिडीम कोड यहाँ पर आ जाएगा उसको। तो गाइस यहाँ पर आप लोग नंबर वन के संग सारे के सारे ड्रेस कॉम्बिनेशन देखो लाइन से। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई अच्छा ड्रेस कॉम्बिनेशन है आपके दिमाग में फ्री वाला, तो नीचे कमेंट करके बता दो। और कमेंट कर दिया करो यार, क्योंकि तुम लोग से ज़्यादा स्पैमर्स के कमेंट दिखते हैं, बताओ, ठीक है। तो कमेंट एक बार कर देना, एक बार अच्छा सा ड्रेस कॉम्बिनेशन, क्या पता आपका ड्रेस कॉम्बिनेशन किसी और को अच्छा लग जाए तो वो भी यूज़ कर ले। तो अपने अपने अच्छे अच्छे ड्रेस कॉम्बिनेशन कमेंट करके बता दो। और बाकी ये वाला भी देख सकते हो, ये वाली हैट होगी आप लोग के पास तो ये यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ओपी वाला ड्रेस कॉम्बिनेशन लगता है, ठीक है। और जैच पैंट तो जैच पैंट या फिर डाउन पैंट या फिर ये फ्री वाला कच्चा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नंबर तीन पर चले, तो कमेंट करके एक बार अच्छे ड्रेस कॉम्बिनेशन बता देना, या फिर इन लोगों की तरह इंस्टाग्राम पे भी आप लोग भेज सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप लोग अच्छे ड्रेस कॉम्बिनेशन बना के भेज सकते हो। और भाई लोग उसी के साथ देखने वाले हम अगला ड्रेस कॉम्बिनेशन, तो अगला वाला भी एकदम झक्कास रहने वाला है। तो आप लोग भी अच्छे से अच्छे ड्रेस कॉम्बिनेशन कमेंट करके बता दो। और देखो मैं रिपीटेड ड्रेस कॉम्बिनेशन नहीं देता हूँ, मतलब रिपीटेड, इसलिए गाइस अगर आप लोग अच्छे से अच्छे ड्रेस कॉम्बिनेशन देखना चाहते हो तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट अपनी ड्रेस कॉम्बिनेशन की प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो वीडियो का एंड तक देखते रहो। तो देख सकते हो पंक स्टार रनर बंडल के संग भी है, बिल्कुल फ्री वाला, ठीक है। जैच पैड नहीं होती तो दूसरे ये कच्चे वगैरह यूज़ कर लिया करो, जिस तरीके से मैं बोलता हूँ आज मैं यूज़ करके दिखा दे रहा हूँ। और ऑरेंज वाली टी शर्ट जो भी बोलो काफ़ी बढ़िया और भाई शानदार लगती है ऑरेंज वाली ये शर्ट, ठीक है। इसके भी ड्रेस कॉम्बिनेशन बना चुके हैं, आप लोग ड्रेस कॉम्बिनेशन वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और देख सकते हो मेरा एक बैकग्राउंड में गेम प्ले। तो अभी टाइम नहीं यार, पेपर वगैरह आते रहते हैं, और जब से मतलब न्यू डिवाइस लिया है मैंने एक भी बार मतलब ज़्यादा अच्छे से गेम प्ले नहीं करा। बाकी अगर गेम प्ले करने के लिए बोलोगे तो एग्ज़ाम खत्म होने दो, तुम्हारे और हमारे सबके एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे तब अच्छे से गेम प्ले करेंगे। बाकी अभी गाइस पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं भी अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। और यार हम तो बड़ी क्लासेस में ठहरे तो हमारे स्कूल भी पहले खुल गए, और मतलब क्या ही बोलें। तो ठीक है गाइस, आप लोग भी पढ़ाई करो और मैं भी पढ़ाई करके अभी एग्ज़ाम कर लेते हैं, उसके बाद मन भर के और अच्छे से गेम प्ले करना, वन टैप ही वन टैप पूरा लहरा देना, ठीक है। तो तब के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।